नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। डूंगरपुर में पिछले 3 दिन से बारिश का दौर जारी है। लगातार हो रही बारिश की वजह से बेणेश्वर धाम टापू में तब्दील हो गया है। बांसवाड़ा के माही डैम और डूंगरपुर के सोम कमला आंबा डैम के गेट खुलने से धाम के चारों ओर 20 से 25 फीट तक पानी भर गया है। धाम पर आने जाने का रास्ता पूरी तरह से बंद है। जिले में 3 दिन से लगातार हो रही बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। बारिश की वजह से जिले के सभी छोटे बड़े बांध भर गए हैं। जिले के सबसे बड़े सोम कमला आंबा बांध के 2 गेट 1-1 इंच खुले हुए हैं। वहीं बांसवाड़ा के माही डैम के 16 गेट खुलने के बाद डूंगरपुर के बेणेश्वर धाम पर पानी की जबरदस्त आवक हुई है। बेणेश्वर धाम की तीनों पुलिया पर 20 से 25 फीट तक पानी बहने लगा है। साबला पुल पर 20 फीट, बांसवाड़ा और वालाई पुलिया पर 25-25 फीट पानी बह रहा है। इसे धाम पर पुजारी और वहां छोटी मोटी दुकानें चलाने वाले करीब 25 लोग रुके हुए हैं और सभी लोग सुरक्षित हैं। साबला थाना अधिकारी मोहम्मद रिजवान खान ने बताया कि पुलिया से श्रद्धालुओं के आने जाने पर अब रोक लगा दी गई है। जिले के आकरसोल का नाका, भय का नाका, मेवाड़ा मार्गिया बाबा, बाबा की बार बांध और वातरक तालाब ओवरफ्लो हो गए हैं। कंट्रोल रूम के अनुसार जिले में सबसे ज्यादा बारिश निछौआ में 55 mm, गलियाकोट में 51 mm, सिमलवाड़ा में 41, साबला में 39 mm, चीखली में 29, कनबा में 25, सागवाड़ा में 28, डूंगरपुर में 12, देवल में 18, वैजा में 9, गणेशपुरा में 17 और फलोज में 14 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।